में और अब के जो नृत्य हैं उसमें कितना डिफरेंस है, और ये लोग थड़िया चौफला झुमेलो जो लगाते थे वो कब कब लगाते थे और इसकी क्या विशेषता है? से पूछते हैं कि आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहते हैं हम जो नई जनरेशन है उनको? हेलो, मेरा नाम सुषमा खंडूरी। मेरे को गढ़वाली बोलनी नहीं आती पर मुझे बहुत अच्छी लगती है गढ़वाली सॉन्ग डांस करना। मैं चाहती हूँ कि इस संस्कृति को हम आगे बढ़ाएं, हमारे आने वाले हमारे बच्चे उनके बच्चे सब सीखें गढ़वाली। इसलिए मैं इसमें थोड़ा सीख रही हूँ, मुझे इतना आता नहीं है, सीख रही हूँ। और आप देख सकते हैं जो हमारे गढ़वाली परिधान है, खुचलिया धोती इसको बोलते हैं, और क्या जिसे बोल सकते हैं, बिल्कुल सजग सुंदर और पूरी तरह से ढके हुए सिंपल से हमारे उत्तराखंडी परिधान होते हैं। आप देख सकते हैं कि बुआ है तो बताएंगी कि जब तुम गांव जांदा छाया तब थड़े चौफ लगांदा छाया पहली? हां लगान छाया बिल्कुल। और कब कब लगांदा छाया? हम लगान छाया 6 महीने लगान छाया चैत बैसा का माह। अच्छा, थड़े गीत लगदा छाया, बहुत सुंदर लगो छाया, बहुत साल बड़े छूट गया। मैं शांति रावत हूँ, बहुत साल से छूट गया। मन कर रहा है अपना गढ़वाली लाओ और सबको सिखाओ, अपना गढ़वाली कल्चर नहीं भूलना चाहिए। जैसे लोग अपनी भाषा नहीं बोलते वैसे ही भाषा में बोलते हैं, हम भी अपनी गढ़वाली भाषा बोलेंगे और अपना गढ़वाली कल्चर में सब प्रोग्राम करेंगे उसमें, ताकि हम आगे पहुंचे। तो ये हमारी एक छोटी सी पहल थी थड़े चौफला करने की। तो आपको कैसा लगा फिर? बहुत अच्छा लगा। और आप जो भी है हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ आपको जी। आंटी जी पड़ोसा की, और अपना नाम बताओ आंटी जी? लीला देवी। हाँ जी, तो आप जो आजकल लोग छी, मतलब लोग मतलब बच्चा छी, वो तो पता ही नहीं थड़िया चौफला झुमेलो के हुंदर, ये हमारा मतलब पुराना लोक गीत लोक नृत्य छाया, तो वो थे आप कुछ बोलना चाहना चाहो, कुछ मैसेज देना चाहना चाहो? बच्चों मैसेज देना चाहना कि आज अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ना और उसको आगे बढ़ाओ है। और क्या बोल बच्चों कहीं, आजकल का बच्चा खुद समझदार छा और सीखना चाहिए, सीखी करा अपनो कल्चर, चाहे नहीं छोड़ा, चाहे हम विदेश में रहना, चाहे देश में रहना, चाहे अपना कख भी रहना, लेकिन अपनी संस्कृति को अपनाओ और उसको आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा थोड़ा हम लोग अभी पहल कर रहे हैं, तब तुम लोग भी हमारा साथ देवा। और फिर अब तो कल सालों बाद लगाना चाहो थड़े चौफला? बहुत साल होगी, बहुत साल जब भी गढ़वाल में थे। अच्छा, बहुत साल भी लगान थे, तब माँ बहनों सुनते थे लगान थे। अब तो हम तो अभी तब कम ही कम लगे थे, तो दगड़ जान थे थोड़ थोड़ा। हाँ। लेकिन अब तो शुरू कर, अब कल शुरू ना भूली भी गया, तो सीखने की कोशिश कर रहा धीरे धीरे। हाँ। अपने बच्चों भी सिखोला और आप लोगों ते भी अपना संस्कृति न छोड़ा और उसको आगे बढ़ाओ। हाँ। आप जानते ही हैं, पहले भी व्लॉग में मेरे साथ आ चुकी हैं मेरी मम्मी, तो जरा बताओ जरा आजकल लोग कण के बोलना चाहना चाहो। नमस्कार, मैं सुनीता रावत हूं। आज हम खुद अपने छत में
ये प्रोग्राम शुरू कर रहे, ये मेरी दीदियाँ भूलियाँ हैं दो तीन, इनको मैंने बोला चलो हम अपना शुरू एक वो बनाएंगे जिससे हमारे बच्चे भी आगे के लिए अपने लिए जागृत होंगे आगे के लिए सब। और ये दीदी भूलिया आ जाए, मैंने इनको साड़ी पहना कि चलो छत में करते हैं, फिर आगे प्रोग्राम करते रहेंगे, फिर बढ़ाएंगे इसे आगे बढ़ाएंगे और बहुत बड़ा करेंगे। और हर पहले तो पूरे इंडिया में नहीं तो अपने उत्तराखंड में जो भाई लोग बाहर जा रहे हैं अपने कल्चर को थोड़ा थोड़ा करके भूल गए हैं, तो उनको हम वापस लाना चाहते हैं इन दीदी भूलियों के साथ, क्योंकि ये हमारे हम अब अपना हर हफ्ते प्रोग्राम करते रहेंगे अपने अपने घरों में। कभी जैसे छत में धूप में बैठ गए तो थोड़ी देर धूप में कर दिया हंसी मजाक अपना, सब बैठ के छत में सब एक साथ कभी भी ऐसे बैठेंगे तो करते रहेंगे हंसी मजाक सब, और फिर आगे अपने कल्चर को बढ़ाते रहेंगे इसी हंसी मजाक में, अपने कल्चर को भी बढ़ाते रहेंगे आगे। बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शक हैं, आप कुछ बोलना चाहेंगे? अच्छा, तो आप लोग मतलब जो आजकल के बच्चे हैं उनको कुछ बोलना चाहेंगे अपनी संस्कृति के बारे में? यू एक खजाना चथड़िया चौंफला झुमैलो किला की ये लोग ची यू था ज्यादातर पता छ, तो दादी जरा कुछ वाला के बोलना चाहना चाहो बच्चों को ना आजकल का कि वो था यू चीज पता होनी चाहिए थी कि ना। हम ये चाहना है कि हम मतलब नमस्कार, हम ये चाहना है कि हमारी जो पुरानी संस्कृति छ ना, हम तो खैर बूढ़े हुए गए बहुत पहले, मन ये प्रोग्राम मतलब घर गाँव में रात हम खिलता था तो मतलब बूढ़े हुए गए हम भूल भी गया, लेकिन हम ये चाहना है कि हमारे आगने जो बच्चा नई पीढ़ी जो थी हमारी पुरानी संस्कृति है जागरूक रखन जी, और मतलब ये कि अग्नि और बढ़न हमारे नई बेटी बेटी बुआरी जी जो छे ये मतलब और उत्साह के साथ में ये प्रोग्राम थे बढ़ावन, हम तो बड़ी खुश हुए हाँ। मैं तो बड़ी खुश हुए कि हमारी बेटी बुआरी जो मतलब ये प्रोग्राम था चलाना छे हाँ। मतलब बहुत अच्छा ढंग से चलावन हाँ। और अब नाम रोशन करो हाँ। हम तो ये खुशी थे जी, हम तो ये कि हम तो बुढ़े आदमी था मतलब कुछ बोल भी नहीं जाना अनपढ़ था, खिलाई तुम ही तो छो खजाना पूरू पुराना लोग तो बहुत ज्यादा हुंदी इना ना नॉलेज वाला, मतलब ये कि अब हम लिखा पढ़ा शिक्षित भी नहीं था कि जो हम कुछ मतलब ये नौकर, लेकिन ये हमारे जो इन प्रोग्राम थे ये हम बहुत पहले बचपन में खेल था देख था और फिर बीच में भूल गया था, मतलब बहुत तेहत्तर साल है तो मेरी उम्र ही हुएगी है, तो ये कि अगने मतलब ये हमारी जो बहू बेटी छ ये संस्कृत है बढ़ावन और हमारे भी मतलब नाम और रोक के कहें कि चलो यार हमारे बुजुर्ग को नी प्रोग्राम चले था था नहीं था अगने बढ़ा बस इतने ही। धन्यवाद दादी आपको। तो ये था हमारा उत्तराखंडी लोक नृत्य का एक व्लॉग, और मैंने ऐसे ही उत्तराखंडी लोकगीत और उत्तराखंडी परिधान पे भी व्लॉग बनाए थे, प्लीज़ डू वॉच। और ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था अपने कल्चर को बढ़ावा देने का, आप लोग भी ऐसे छोटे छोटे प्रयास करते रहें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है अपने कल्चर ट्रेडिशन को आगे बढ़ाने का। हमारा जो उत्तराखंड का ट्रेडिशन है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और जो हमारे परिधान हैं वो भी काफ़ी सजग सहज और बहुत ही सिंपल पूरे ढके हुए जिसे बोलते हैं वैसे हैं। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। देखियो लायन ज्वनि सदन निरांद के गांव की।